सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वाबाधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। जो लोग शुक्रवार के दिन प्रातःकाल भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं और ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि हर समय बनी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब बुरा सपना नहीं करेगा बुरा, अब बुरा सपना भी कराएगा मुनाफा, अब बुरा सपना भी दिलाएगा तरक्की, अब हर बुरा सपना होगा आपके लिए लकी। जानिए कैसे बढ़ाएं बुरे सपने से गुड लक। देखिए काल चक्र। कई बार हमें बुरे सपने आते हैं और हम इतना घबरा जाते हैं जैसे कि ये सब कुछ हमारे साथ सच में हो रहा है, सपने में नहीं बल्कि हकीकत में हो रहा है। कई बार कुछ सपनों पर बुरा फल भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन आज काल चक्र में हम सिर्फ बुरे सपनों के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे कि बुरे सपनों का बुरा फल आप पर ना पड़े, ये भी हम आपको बताएंगे। आज काल चक्र में हम आपको सपनों की दुनिया में भी लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए बात कर लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त की। छह जून 2014 दिन शुक्रवार, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है जो सुबह 11:27 तक रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जो आज 10:37 तक, राहु काल सुबह 10:30 से 12 तक। आज शुक्ला देवी के पूजन का विधान है। नवमी के दिन लोग व्रत करके शुक्ला देवी की पूजा करते हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। आज रवि योग सुबह 10:37 से शुरू है। आज विवाह का और गृह प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त है। तो क्या है आज के दिन की खासियत, कौन कौन से है शुभ मुहूर्त, ये तो हमने जान लिया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और पंडित जी से सबसे पहले तो यही जानते हैं, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें सपने में सांप दिखाई देते होंगे, खास तौर पर उनके लिए सपने में सांप दिखाई अगर हमें दे रहा है तो इसका क्या अर्थ है, क्या इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है और इसके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए हमें कौन सा एक उपाय जरूर करना चाहिए, आइए सबसे पहले यही जानते हैं। पंडित जी, सांप से तो वैसे भी लोग डरते हैं और सपने में दिखाई दे जाए तो और भी घबरा जाते हैं, इसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है और उससे कैसे बचें? देखिए, स्वप्न भविष्य के अच्छे बुरे बातों के संकेत के लिए होता है। चाहे जब भी आप अपने ग्रंथों का अध्ययन किए होंगे तो आपको लगा होगा स्वप्न की चर्चा जरूर आई है। जैसे माता सीता से त्रिजटा ने अपना स्वप्न बताया था, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, नगर फिरी रघुवीर दुहाई। तो कहने का तात्पर्य यह है, सपने अच्छे और बुरे समय का संकेत करते हैं। तो अगर आज मैं इस विषय पर बात करना चाहूंगा कि आपको स्वप्न में बार बार सांप दिखाई देता है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके जीवन पर पितृ दोष का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आपके पितर कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनकी आत्मा मुक्त होना चाहती है और वो परेशान है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको स्वप्न में सांप दिखाई दे रहे हैं, तो आप अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध जरूर करें। श्राद्ध और तर्पण के दौरान त्रिपिंडी श्राद्ध करने पर, ब्रह्मा विष्णु महेश को पिंडदान करने पर निश्चित रूप से सर्प का स्वप्न आना बंद हो जाता है और पितरों का कल्याण होता है, पितरों को उत्तम गति मिलती है। सपने में सांप दिखाई देने और सपने में सांप का आपको काट लेना, दोनों का आपके जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है।
अगर आपने सपने में सांप को काटते हुए देखा है तो इसका क्या प्रभाव होगा और इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन सा उपाय करना होगा, आइए जानते हैं। पंडित जी, बार बार सांप दिखाई देते हैं उसका क्या अर्थ है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर सांप दिख भी रहा है और काट भी रहा है उसका क्या अर्थ है? देखिए, सपने में बार बार सांप का अपने अंगूठे पर काट लेना, अर्थात आपके हाथ के अंगूठे पर काट लेना, ये राहु और केतु का आपके जीवन पर बुरा प्रभाव दर्शाता है। ऐसे में आपको नाग पंचमी पर चांदी का नाग नागिन बनवा करके नदी में नारियल के ऊपर रख करके कलावे से बांध करके प्रवाहित करना चाहिए। लेकिन आपको इसी जगह एक छोटी सी बात और बताऊंगा, अगर सांप आपके हथेली के बीचों बीच काटता है तो निश्चित रूप से यह संकेत धन प्राप्ति का है। ऐसे में यदि आपके अंगूठे पर सांप डस रहा है स्वप्न में और आप भयभीत हो रहे हैं तो आपको चाहिए चांदी के नाग नागिन बनवा करके नारियल पर रख करके उसे नाग पंचमी के दिन किसी बहते हुए जल में विसर्जित करना चाहिए, इस दोष का समाधान हो जाता है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, धनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का भाग्योदय होगा, निश्चित रूप से आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वाहन खरीदने के लिए समय अच्छा है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपको आज चाहिए पितरों का आप श्राद्ध करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, निश्चित रूप से आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आज आपका आत्मविश्वास भी बना रहेगा। आज धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए ओम संघ सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सपने में बार बार आपको भगवान की मूर्ति दिखाई देती है या फिर बार बार आप किसी मंदिर को देखते हैं तो ये सपना आपको शुभ फल देगा या फिर अशुभ, इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। पंडित जी, भगवान सपने में दिखाई दे रहे हैं, मंदिर दिखाई दे रहा है, तो ये शुभ है या अशुभ? देखिए, स्वप्न में बार बार भगवान की मूर्ति दिखना या मंदिर दिखना ये ठीक नहीं होता। इस सपने के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए हर रोज आपको तांबे के लोटे में कुमकुम और लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और जब आप सपना देखें और आपकी आंखें अगर खुल जाती हैं तो आपको चाहिए एक छोटा सा मंत्र जिसे मैं बार बार बताता हूं, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुकुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत। ये मंत्र अगर 5 बार कर लिया जाए तो बुरे स्वप्न का असर समाप्त हो जाता है। राशियों में अगली राशि है मिथुन राशि, जानते हैं कि जेमिनाइस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों को कहीं से उनका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आज आपका उत्साह बढ़ेगा और सरकार से भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपको किसी नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपको चाहिए आप गणेश जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे इसी के साथ कर्क राशि की ओर, जानते हैं कि कैंसरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कारोबार करते हैं यदि आप व्यवसायी हैं तो आप लाभ में रहेंगे। आज आपके मन में थोड़ी सी असंतोष की भावना तो जरूर रहेगी, लेकिन इसका कुप्रभाव ये देखा जाएगा कि आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इसलिए आप सुबह ही शिवलिंग पर दूध और जल जरूर चढ़ाएं, बिलोपत्र भी चढ़ाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको बार बार घर बदलने या फिर ट्रांसफर होने का सपना आता है तो इसका आप पर क्या अशुभ असर हो सकता है और इस अशुभ असर को दूर करने के लिए आपको कौन सा खास उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, बार बार घर बदलने का या फिर ट्रांसफर होने का सपना आता है, ये शुभ है अशुभ है? देखिए, बार बार आपको घर बदलने का या अपने स्थानांतरण का अगर सपना आता है तो ये संकेत है कि जल्दी आपकी जगह बदलने वाली है।
अगर आप नहीं इस स्थान परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्थान परिवर्तन ना रुके, तो हर शनिवार को शनि देव की पूजा जरूर करें। हर शनिवार को शनि देव की मूर्ति पर काला तिल और तेल, सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं, इससे लाभ मिलता है। असम से दीपा जी जुड़ गई है, स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरा नाम दीपा है और मैं अपना पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उनकी उम्र बताइए और सवाल करिए। उनका डेट ऑफ बर्थ 184। जी, प्रश्न कीजिए। उनका नाम, घर के नाम दुर्गम सहानी है और स्कूल के नाम दीपांकर है। उसके बारे में जानना चाहती हूँ, कानूनी मामला में फंसे हुए है, इसीलिए उसके बारे में जानना चाहती हूँ। दीपा जी, आपके पति भाव का स्वामी बुध है, उससे दशम भाव का स्वामी भी बुध है। इस समय आपके पति के ऊपर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। शनि की द्वितीय भाव की स्थिति इस बात का संकेत करती है कि ये कानून के पछड़े में ज्यादा ही फंसे हुए हैं। इनको सफलता मिले इसके लिए मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी की विधिवत पूजा करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा अगर 7 मंगलवार करेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें राहत मिलेगी। भिंड से पूर्णा जुड़ गई है, स्वागत है आपका। पूर्णा जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म 12/11/80 पूर्णिमा के दिन हुआ है। जी जी। मेरा कैसा भाग्य रहेगा आप ये बताइए। बुध और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की है, भाग्य तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, कोई संदेह की बात नहीं है। भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, धन धान्य पुत्र पति सब चीजों से आप युक्त रहेंगी, आपका जीवन अच्छा होगा। लेकिन आपको चाहिए कि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत एक बार जरूर करें। वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि कोई बुरा सपना एक बार आए तो उतना बुरा असर नहीं डालता, जितना अगर वही सपना बार बार आए तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी पर ज्यादा पड़ता है। ऐसे में अगर आपको बार बार सपने में बंदर दिखाई दे तो सपना आपके जीवन पर क्या असर डाल सकता है, और अगर ये बुरा प्रभाव डालता है तो कैसे इससे बचें, कौन सा उपाय करें। सपने में बंदर दिखना आपको सतर्क रहने की चेतावनी देता है, ऐसे में आपको इस बुरे सपने के असर को खत्म करने के लिए कौन सा एक उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, अगर सपने में बंदर दिखाई देता है तो किस तरह की चेतावनी वो हमें दे रहा है? अगर आप बार बार सपने में बंदर देखते हैं तो जानते हैं सपने में या बंदर को देखकर आप डरेंगे, या ऐसी भी कभी कभी स्वप्न की स्थिति बनती है जब बंदर आपको देख करके भाग जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अब आपको जीवन में सावधान रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंदर का स्वप्न त्रिजटा नाम की राक्षसी ने भी लंका में देखा था, इसका विवरण रामचरितमानस में मिलता है। तो अगर बंदर आप स्वप्न में देख रहे हैं तो निश्चित रूप से यह मानिए कि कोई काम आपके द्वारा ऐसा होने वाला है जिससे आपके मान सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। इस सपने के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। वहां आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और यथासंभव हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। जो लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में अगर ये बुरा स्वप्न आया है तो इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियो उसके लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। किस्मत आज आपके ऊपर मेहरबान रहेगी और नौकरी में भी आपको प्रगति का योग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पत्नी का सुख आपको प्राप्त होगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बड़े इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं कि वर्गो इसके लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है।
अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहिए। आज आपका खर्चा भी बढ़ा रहेगा, यद्यपि आप अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ही खर्च करेंगे। अगर आप किसी तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज किसी रिसर्च में भी आपको सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है, और आज आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा। आज आपको चाहिए ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सभी बुरे सपने अब नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका कुछ भी। चलिए सोमवार से लेकर रविवार तक आने वाले सभी बुरे सपनों को बनाएं अपने लिए भाग्यशाली। ये सब हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल, खासकर उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या। आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल, खासकर उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा एक बार पुनः कि आज आपका भाग्योदय होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वाहन का भी सुख आपको मिलेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि पितरों के लिए श्राद्ध करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आर्थिक लाभ की स्थिति, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा आपका और धर्म के तरफ आपका झुकाव भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए ओम संग सनश्चराय नमः का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। आपका उत्साह बढ़ेगा और सरकार से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। नए पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। गणेश जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, कारोबार में लाभ होगा, लेकिन मन में असंतोष की स्थिति रहेगी और आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और आपका भाग्योदय होगा, नौकरी में प्रमोशन भी होगा और पत्नी का सुख भी मिलेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा कन्या राशि के बारे में कि आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। आज आपका खर्चा बढ़ा रहेगा और तकनीकी क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है और बड़ों की कृपा आप पर रहेगी। ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल एक बार फिर से। अब नोट करने के लिए तैयार हो जाइए, 7 दिनों के लिए 7 महा उपाय जो आपके बुरे सपने को अच्छे में बदल देंगे। आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी शुरू करते हैं सोमवार से। जिस दिन स्वप्न आप देखें जिस रात में, उसके दूसरे दिन जो दिन है उसके आधार पर आप कुछ उपाय करके बुरे सपनों के असर से बच सकते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कागज कलम निकाल करके। मैं सबसे पहले सोमवार की बात करूंगा। अगर सोमवार को कोई बुरा सपना आ रहा है तो आपको चाहिए चावल, चीनी और नारियल या गुड़, ये आप दान करें। लेकिन अगर मंगलवार को बुरा सपना आ रहा है तो लाल मसूर, नारियल या तांबे का दान आपको करना चाहिए। और बुधवार को अगर कोई बुरा सपना आए तो साबुत मूंग, चांदी या हरी सब्जी दान करना चाहिए। गुरुवार को यदि बुरा सपना आता है तो चने की दाल और हल्दी दान करना चाहिए। शुक्रवार को यदि बुरा सपना आता है तो चावल, मिश्री, धूप बत्ती, इन सब चीजों का दान किया जा सकता है। इसी क्रम में अगर शनिवार को बुरा स्वप्न आए तो लोहा या नारियल का दान या गरी गोले का दान करना चाहिए। रविवार के दिन यदि बुरा सपना आए तो दलिया या गुड़ का दान जरूर करना चाहिए, इससे स्वप्न का बुरा प्रभाव समाप्त होता है। तो कहते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों को रोजगार में तरक्की मिल सकती है। परिवार का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको चाहिए ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
बढ़ रहे हैं वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों के सेहत में सुधार हो सकता है। आज जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और रिश्तेदारों से भी लाभ मिलेगा। आज आपका स्थानांतरण हो सकता है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज अपने स्वास्थ्य पर आप ध्यान दीजिए, गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए वरना दिक्कत होगी और परिवार में क्लेश हो सकता है, किसी बात को लेकर के तनाव रहेगा। सूर्य देव की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप सफल रहेंगे। आपके विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। कारोबार में भी लाभ की स्थिति रहेगी। आज आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और बेफजूल कार्यों में भी आज आप व्यस्त रहेंगे। आज अपने शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज ओम रांग राहवे नमः का एक माला जप आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि, जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी और विदेश से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। महालक्ष्मी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।